हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं निकुया आपको अपने YouTube चैनल टेक अर्न मीडिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं विंगलिंग यानी कि विन कॉइन के बारे में। अभी आपको पता होगा कि मार्केट कितनी ज़्यादा यहां पे अभी ख़राब स्थिति से गुजर रही है। मार्केट में सभी कॉइन्स लगभग एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको पता होगा कि एक दो कॉइन ऐसे हैं तुक्के, एक दो कॉइन ऐसे ही बचे हैं जो अभी आपको मार्केट में कुछ ही दिनों में आपको मार्केट में एक अच्छा खासा दो गुना, तीन गुना, पाँच गुना ही अर्निंग करा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ऐसे कॉइन, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो मिलियनियर्स हैं, जैसे जस्टिन सन हो गए, एलन मस्क हो गए, इन सभी जो भी इन्वेस्टर्स हैं इनका पूरी तरह से फोकस है उन सभी कॉइन पे, जो कॉइन यहाँ पे एक तरह से मीम कॉइन या फिर एक ऐसी कॉइन है जो शॉर्ट टर्म में 5 गुना 10 गुना 20 गुना फ़ायदा उन्हें दिला सकती है। और छोटे छोटे ऐसे कंपनी जो लाख रुपया, 10 लाख 20 लाख इस तरह करके इन्वेस्ट करते हैं और वो उसका 10 गुना 5 गुना करके निकल जाना चाहते हैं, तो ऐसी जो कंपनियां हैं उनका नज़र पूरी तरह से उन्हीं कॉइन्स पर रहती है, जैसे कि विन कॉइन हो गया, आपको पता होगा शिबा इनू हो गया, या फिर इस तरह की जो कॉइन्स जो इनका मार्केट वैल्यू कम है, मार्केट कैपेसिटी उनका बढ़, लेकिन अचानक मार्केट कैपेसिटी बढ़ जा रहा है, मार्केट वॉल्यूम उनका ऊपर चला रहा है, इन सभी कॉइन्स पे उनका नज़र है। तो गाइस इसमें इस तरह बात करें तो विन यानी कि विंकलिंग एक तरह से बहुत ही अच्छा कॉइन है उसके लिए, और इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा से नज़र गड़ा कर रखना पड़ता है। इसमें बिल्कुल बारीकी से आपको नज़र बैठाना पड़ता है इस पर, क्योंकि ये किस दिन मार्केट में आपको 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना तक आपको बेनिफिट दिला सकता है, ये किसी को नहीं पता है। तुरंत मार्केट में पूरी तरह से उछाल आता है, ये उछाल कुछ ही समय के लिए, 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटे 24 घंटे के लिए ही, इसी बस इतने ही समय ड्यूरेशन के लिए ये रहता है आपको, और इसी बीच में आपको क्या करना है, सेल करके निकलना होता है। नहीं तो आप फिर से वही, आपका अगर माइंड सेट थोड़ा सा ग्रीडी हो गए या फिर थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी आप लूज़ हुए, तो ये अपना मार्केट फिर से मार्केट डंप में चला जाता है, मार्केट क्रेश हो जाता है और फिर से ये अपने उस लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ पे आपने खरीद रखा था। तो गाइज इसीलिए इन सभी कॉइन्स पर बारीकी से नज़र बैठाना होता है। तो गाइज ऐसी कॉइन्स पे अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली जो दिनें हैं विन के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि देख सकते हैं वज़ीर का, अगर आप यूज़र हैं तो देख सकते हैं वज़ीर एक यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। टोटल प्राइस वर्थ अप देख सकते हैं इतना, 7,66,000 का ये प्राइस यहाँ पे रखा गया है, जिसमें 180 ट्रेडर को ये प्राइस मिलने वाला है। समझ सकते हैं एक आदमी को लगभग $50 के करीब मिलने वाला है यहाँ पे, तो ये अच्छा खासा यहाँ पे विन करने का एक चांस है। और इसके लिए क्या करना है देख सकते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जो ट्रेड करने वाले हैं, जो बाई करते हैं किसी भी कॉइन को, किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को या सेल करते हैं, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं 7 जून को 9 बजे से लेकर के 9 जून को 9 बजे, इस बीच में अगर आप करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा अर्निंग, अगर आप विनर लिस्ट में आते हैं तो मिल सकता है आपको, लगभग $50 प्रत्येक बंदे को मिल रहा है यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन गाइज मेरा मकसद है आपको यहाँ पे विंकलिंग से रिलेटेड अपडेट देने का, क्योंकि गाइज आपको पता होगा जस्टिन सन यहाँ पे पूरी तरह से तत्पर है, और इन्होंने आपको पता है कल कहा था कि अगर यहाँ पे जो एलन मस्क हैं वो बिटकॉइन सारी बेचते हैं तो हम सारी बिटकॉइन को खरीद लेंगे। उनका कहने का मतलब था, जैसे ही यहाँ पे आपको पता होगा एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा था, लगभग 40 के करीब में जा रहा था, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से पूरी तरह से एक ऐसा सिंबल उन्होंने सेंड किया जिससे पूरी तरह से मार्केट धराशायी हो गया, और उनका जो हिंट है उस तरह से मार्केट धराशायी हो गया, और उन्होंने कहा कि हम बेच सकते हैं बिटकॉइन। जिस पर जस्टिन सन ने कहा जितना बिटकॉइन एलन मस्क के पास है उसे हम खरीद सकते हैं, क्योंकि जस्टिन सन खुद मिलियनियर है। तो और पता होगा कि जस्टिन सन यहाँ पे बिट टोरेंटो हो गया, विंक हो गया, इथेरियम, मतलब इस सब के संबंधित हैं, और इनको पंप करने में, इसको इंटीग्रेट करने में इनका भी हाथ रहता है, इसको प्रमोट करने में, विंग को भी प्रमोट करने में जस्टिन सन का हाथ रहता है, और ये बहुत बड़े मिलियनियर, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के। और ये सभी जो बात है, जैसे आपको पता हो कुछ दिन पहले इन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट में मैटिक को भी खरीदा था, तो एक ये लगातार ये पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहे हैं। साथ ही आपको पता होगा कि जो यहाँ पे विन है इसका बहुत सारा इवेंट्स होने वाले हैं। आपको पता होगा कि इवेंट्स का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पे तो 30 जून को यहाँ पे इवेंट होने वाला है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 30 जून से पहले भी इवेंट हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और अर्लियर यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको इसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा अगर कोई इसमें चेंजमेंट होता है। तो अब कहने का मतलब है कि किसी भी जो करेंसीज होती है, क्रिप्टो करेंसीज, उसका यहाँ पे इवेंट आता है तो उसका मार्केट प्राइस पंप करता है,
और आपको पता होगा कि इसमें अभी जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो मिलियनेयर, उनका नज़र है इस करेंसीज पे, और वो इसमें इवेंट के दौरान ही, इवेंट के पहले या फिर इवेंट के बाद वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़रूर करेंगे, और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि और सारे बंदे इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको देख करके, और मार्केट इसका ऊपर जाएगा। और वही जो पॉइंट है आपको, जो रेसिस्टेंस पॉइंट जैसे ही क्रेक करता है, क्योंकि मार्केट उसके बाद ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद मार्केट डबल ट्रिपल फिफ्थ टाइम तक हो सकता है, और आपको कब बेचना है सही समय पे उसका अपडेट हम आपको टेलीग्राम पर देंगे बहुत ही बारीकी से, और आगे के सभी जो भी यहाँ पे इससे रिलेटेड अपडेट हैं कि मार्केट इसका कब क्रेश होने वाला है, मार्केट कब इसका फिर से डंप जाएगा, क्योंकि मार्केट इसका उठेगा तो ज़रूर, मार्केट इसका जो है इवेंट में उठने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है, और उठेगा, इसके चांसेस हैं, और लेकिन उसके बाद आपको ध्यान देनी है कि मार्केट कब पंप से डंप जा रहा है। अगर डंप जाने शुरू हुआ उसी समय आपको बेचना होता है, और बेच के इससे जितना आपको प्रॉफिट हुआ वो जो आपने कर रखा है 5 टाइम 3 टाइम 10 टाइम उसे वहाँ पे विड्रॉल करके आपको उसका बेनिफिट लेना है। तो उसका अपडेट कि कब आपको बेचना है वो टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, क्योंकि टेलीग्राम बहुत ही अच्छा खासा मीडियम है जहाँ से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइए, वहाँ पे सभी अपडेट आपको दिए जाएंगे। और देख सकते हैं कितनी सारी इवेंट्स यहाँ पे हो रही है, और इन इवेंट्स का यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो है असर आगे आपको देखने मिलेगा। और ये जो दो कॉइन टॉप की कॉइन्स है जिनमें विन आता है, तो विंकलिंग को ज़रूर यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं कीजिए, और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले ये आपका पर्सनल यहाँ पे वो ये होना चाहिए कि आप खुद से एनालिसिस करें एक अच्छी तरीके से, 2-3 वीडियो देखें अलग अलग यहाँ पे यूट्यूबर्स के, और उससे आप लोग जो भी नॉलेज है वो पहले ज्ञान करें, और अपना बेसिस है आप अपने दिमाग यूज करके आप लोग जितना आपका इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये आपको यहाँ पे मेरा पर्सनल सलाह रहता है कि आपका खुद का एनालिसिस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको किसी भी यहाँ पे डंप जाने से, किसी भी यहाँ पे नेगेटिव आपको लॉस जाने से बचा सकता है, वो आपका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं यही होप करता हूँ कि आप लोग आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा खासा 5 टाइम 10 टाइम अर्न करेंगे, जरूर करेंगे, विन के साथ हम लोग मिल के करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल हम लोग अर्न करने वाले हैं विन से। तो गाइज यहाँ पे इस वीडियो में अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी आपको किसी भी कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस आप रख सकते हैं। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी सभी अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।